अस्सलाम वालेकुम जी, हमारे पास यहाँ पे ये एक प्रोडक्ट है जिसकी हमने अनबॉक्सिंग करनी है। और ये बेसिकली मोबाइल फ़ोन का ट्राईपॉड स्टैंड है, और बाकी आप इसका जो है बॉक्स वगैरह देख सकते हैं, साइड्स वगैरह इसकी, जैसे यहाँ पे मेंशन किया हुआ है उन्होंने कि ये कौन कौन सी आप इस पर जो है चीज़ें लगा सकते हैं, जैसे ये DSLR है, GoPro, और ये प्रोजेक्टर इन्होंने बनाया हुआ है यहाँ पर, और बाकी यहाँ पर मॉडल नंबर और इसके अलावा यहाँ पे इसकी डिफरेंट डिटेल्स वगैरह मेंशन है। बाकी ब्रांड वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ब्रांड नेम वगैरह मेंशन है। और बाकी वैसे मैंने ये दराज से ऑर्डर किया था, तो तकरीबन इसकी मुझे जो कॉस्ट आई थी अराउंड 1500 के थी। और बाकी इसको अब हम ओपन करते हैं, तो ये ऑलरेडी मैंने वैसे इसकी सील्स वगैरह ही ओपन की हुई हैं, तो इसको चेक किया था मैंने ओपन करके। तो खैर इसको ओपन करेंगे, तो इसमें से सबसे पहले हमारे पास, एक मिनट, ओके, ये इसमें से ये दो चीज़ें निकली हैं। एक तो इसका ये ग्रिप है जो जिसमें आपका फ़ोन जो है वो होल्ड होगा, इसको भी थोड़ा सा हम ओपन करते हैं। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है ओपन करना इसका यहाँ से, तो ठीक है। तो ये हमने इसको ओपन किया, इसके अलावा ये हमारा स्टैंड भी बाहर आ गया पैकिंग से, और ये बेसिकली ग्रिप है, और ये ठीक है, ये इसका स्प्रिंग फंक्शन है, और इसी के थ्रू जो आपका फ़ोन इसमें वो टाइट रहेगा। और बाकी ये हमारा स्टैंड है, स्टैंड आप देख सकते हैं, वैसे तो इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी और काफ़ी फाइन क्वालिटी है। और ये जो है इसका, ओके, ये इसका लॉक है यहाँ पे, और बाकी ये चीज़ इसकी मेटल की है, ये क्योंकि यहाँ पे इसका स्क्रू है जिसके ऊपर हम इसकी ग्रिप को जो है टाइट करते हैं। तो वैसे हम इसको स्टैंड को ओपन करते हैं, और ये हमने स्टैंड को यहाँ पे फिक्स कर दिया, और अब हम इसको ऊपर ग्रिप को फिक्स करते हैं। तो जस्ट इसको हमने टाइट करना होता है, मतलब बहुत इजी है। और ये ले जी, ये हमारा स्टैंड जो है वो रेडी है, इसके अंदर आप फ़ोन को ग्रिप कर सकते हैं, और अगर आप स्टिल इसको रख के और आप मतलब कोई वीडियो बनाना चाह रहे हैं, कोई पिक्चर्स वगैरह आप करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। वैसे अगर आप वीलॉग करना चाह रहे हैं तो आप इसको इस तरह से कैरी करके वीलॉग भी कर सकते हैं। और इसके अलावा जैसे इन्होंने इसके बॉक्स पे मेंशन किया हुआ था GoPro, तो वो भी बड़ी इजीली इस पर फिक्स हो सकता है। और बाकी जो DSLR है उसका थोड़ा सा मुश्किल है कहना, क्योंकि जो इसका साइज़ है वो काफ़ी मतलब छोटा सा साइज़ है, और मतलब आप इसको ये कह सकते हैं कि पॉकेट साइज़ है, तो इसके ऊपर DSLR आई डोंट थिंक सो के सही तरीके से स्टेबल हो सकता है, लेकिन खैर उन्होंने मेंशन किया हुआ डब्बे, तो खैर उनको पता होगा ज़्यादा बेहतर, हमने तो फ़ोन ही यूज़ करना है इस पर या GoPro करेंगे। तो खैर ये थी आज की प्रोडक्ट, जिसकी बेसिकली अनबॉक्सिंग थी, और एक छोटा सा आप इसको रिव्यू कह सकते हैं। तो बाकी फर्दर अगर आप ये इस तरह की प्रोडक्ट परचेज़ करना चाह रहे हैं तो आप इजीली इसको दराज से परचेज़ कर सकते हैं, और बाकी मज़ीद आपसे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आप इजाज़त दीजिए, और इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।